अरे वे नहीं है ले दे ना गरीब के एक तरह में गरीब वाला जो है पंडाल में अंदर बैठाने के लिए यहाँ पे लाइन से लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है और जगह जगह देखिए यहाँ पे जो है बाइक वगैरह किसी ने अंदर खड़ी कर दी तो उसको जब्त करके यहाँ पे ले जाया जा रहा है। तो अगर आप लोग आते हैं तो बाइक अपनी स्टैंड में खड़ी कीजिए, यहाँ खड़ी करोगे तो आप लोगों की बाइकें वगैरह जब्त हो जाएंगी और बहुत भीड़ मचने वाली है। अभी देखिए यहाँ पे जो है इतनी भीड़ मची हुई है तो अंदर से भी दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे क्या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। लेकिन प्रभु कृपा में कहीं ना कोई कमी हो जाती है और वो इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं हो पाते हैं। आप हम यहाँ है मतलब कहीं ना कहीं प्रभु की बड़ी कृपा है। जितनी देर इस कथा पंडाल में रहेंगे अपने अभी आप जो देख रहे हो ना, देखिए यहाँ पे कितनी पब्लिक आते जा रही है और उनको संभालने के लिए लाइन से एक एक करके लाइन से यहाँ पे लोगों को अंदर किया जा रहा है। और देखिए अंदर भी काफ़ी भीड़ है, अभी अंदर का भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे क्या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। मैं भी अंदर गया था तो मेरे को बनाने दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों ने बोले कि भैया अब नहीं बनाना, तो इसलिए मैं बाहर आके वीडियो पूरा शूट कर रहा हूँ। तो जैसा भी होगा अगर कोशिश करूँगा स्क्रीन से आपको दिखाने की, क्योंकि अंदर तो कोई अनुमति नहीं है। वाले घर में चले जाने ना तो गाइस अभी चलते हैं भोजन स्थल पे, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। अभी देखिए हम आ चुके हैं भोजनशाला में और मेरे सामने देखिए यहाँ पे लाखों लोगों का खाना रोज बनाया जा रहा है। देखिए कितने सारे बर्तन चूल्हे में लाइन से यहाँ पे जलाए जा रहे हैं, तो हर बर्तन पे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे देखिए पूरा खाने का मटेरियल सब चीज़ रखा हुआ है। तो ये जो भोजनशाला चालू हो चुकी है और यहाँ पे रोज़ लाखों लोगों का खाना जो है बनाया जा रहा है। भैया खाने की टाइमिंग कितनी रहती है यहाँ पे? 2 बजे तक। और सुबह शुरू कितने बजे होता है? 10 बजे से। तो जो खाने का टाइमिंग यहाँ पे है ना 10 बजे से लेके 2 बजे तक का रहता है। और आज खाने में क्या बना भैया? सब्जी चावल दाल। मतलब रोज यही बनना है ना, रोज यही सब बनता है। अच्छा सब्जी बस चेंज होती है, बाकी पूड़ी और चावल वो है ना। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं जो वहाँ पे बैठ के जिस तरह से लोगों को खिलाया जा रहा है और यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए वो लोगों को बैठा के खाना खिलाया जा रहा है और पत्तलों में यहाँ पे भी खाना खिलाया जा रहा है लोगों को। तो जो जो खाना खाते जा रहे हैं उनकी जगह फिर दूसरे बैठते जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे जो है
लाइन से लोग आते जा रहे हैं खाना खा के, और फिर इसके बाद यहाँ पे खाना खा के सीधे कथा पंडाल में जा रहे हैं। इसी तरह से देखिए, मैंने एक पंडाल आपको ये दिखाया था, तो यहाँ पे भी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब चीज़ खाने वगैरह की। तो 2 बजे तक यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, उसके बाद से 4 बजे से वहाँ पे कथा रहती है, तो सब आधे से ज़्यादा लोग फिर वहाँ चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सब चीज़ तैयार करके रख ली गई है। ये पूरा कंटेनर है, पूरी से भरा हुआ है, और जगह जगह यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह, देखिए यहाँ पे लाइन से सब्जियाँ बनाई जा रही हैं, लाइन से जो है यहाँ पे सब्जियाँ बनाई जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे दाल है, ये दाल है, और उधर सब्जियाँ बनाई जा रही हैं वहाँ पे, और यहाँ पे जो है रोज़ अलग अलग तरह की सब्जियाँ बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे लेडीज़ हैं हमारी बैठ के जो है वजन वगैरह भी कर रही हैं सब्जी काटते काटते। ये देखिए, सब्जी काटते काटते यहाँ पे जो है कंटेनर आपको दिखाया था, देखिए पूरी कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे पूरी एक साथ बनाई जा रही है, ताकि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसलिए यहाँ पे देखिए भैया लोग सेक सेक के इसमें लाते हैं, ठेले में लेके आते हैं और इन कंटेनरों में पलटाते जाते हैं। तो भी अभी तक कितने जन खा चुके हैं फिर भी लगभग? हाँ, कितने जन खा चुके हैं अभी लगभग? 50,000 है ना। तो अभी आज क्या बना, मतलब सब्जी कौन सी बनी आज? छोले की सब्जी बनी, छोले दाल चावल। 2 बजे तक बटेगा बस, उसके बाद फिर कथा में 4 बजे तक चल रहा है अभी, मतलब जब तक आते रहे लोग। सही बात है, शाम को फिर। और मान लीजिए जैसे किसी का उपवास वगैरह है, फलाहार की व्यवस्था है क्या? अभी कल था, आज अभी। तो भाई देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे खाना बनाने वाले हैं वो भी आनंद के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए जो है माताएं बहनें हमारी सब्जी काट काट के देखिए पूरा भजन वगैरह गा रही हैं, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग।